अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आइडियल वर्ल्ड की प्रेपरेशन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और विद COVID-19 और आइसोलेशन और फिर से निकलना, इतना जैसे मैंने कहा ना कि आइडियल वर्ल्ड तो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में ये प्रॉब्लम आजकल है। तो आई मीन वी हैव टू डील विद इट, दैट्स द थिंग। सो उसमें कई दफा आपको कुछ कमी बेशी भी रह जाती है, और कई दफा आपको कुछ इंजरीज भी आ जाती हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड देन और हर चीज को पुश करना, तो थोड़ा मुश्किलात जरूर है। लेकिन वी आर हेयर टू प्ले एंड 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 कम्पीट, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाय द टाइम comes the T20, we'll be pretty much ready, and inshallah we will do our best to bring out the best results for the country. तक तो पिच तक तो हम पहुंचे ही नहीं है अभी तो। हम we are here in Queenstown, अभी एक दिन और preparation का यहाँ रहता है, फिर then we will go to Auckland। पिच तो जब देखेंगे तो तभी आइडिया होगा या डिसीजन होगा कि बैट करना है या बॉल करना है, या किस सूरत हाल कैसा खेलना है। लेकिन यह है कि लुकिंग एट द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस जो कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हम लोग खेले हैं, तो आई थिंक द फास्ट बॉलर्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब, एंड टू ग्रूम देम। अब वर्ल्ड वाइड जब तक नहीं खेलेंगे और जब तक दूसरों के घरों में जाके या उनकी पिचेस पे नहीं खेलेंगे, तो देन दैट्स द राइट वे टू आई गेस ग्रूम देम। आई आई के नॉट say के how they're gonna perform, but of course we are here, as I said, to get the best out of them. Talent है, as we all know that, potential है, of course young जरूर हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि they will play more cricket overseas and they will learn more, and inshallah they'll be better bowlers soon. हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि the best player, one of the best player in the world. And best players, of course, Pakistan ke liye bhi. Unfortunate hai, these injuries are of course part of the game. Unfortunately, it happened at the wrong time. Just at the stroke of the series starting. To jhatka to zarur hai. Isme to koi do raaye ya shak nahi hai. Lekin ye hai ke it's also an opportunity फॉर अदर प्लेयर्स, कि वो लोग स्टेप अप करें और यंगस्टर्स को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आई थिंक झटका जरूर है, क्योंकि आज ही हुआ है, तो इतना हमें अभी हमने अभी तक प्रैक्टिस या अभी तक उसके बाद कोई ऐसा कोई एक्टिविटी की नहीं है कि कोई ऐसा फील हो कि बिल्कुल टीम गिर गई है। आई एम श्योर वंस विल गैदर अगेन, इंशाल्लाह मिसबा विल टॉक टू द बॉयज एंड विल ट्राई टू गेट देम अप एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दीज बॉयज, एंड एज आई सेड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ यंगर प्लेयर्स टू स्टेप अप। बाबर आजम वाला जो जो इंजरी का सीन है वो तो अभी हुआ ही है, तो एज सच कैंप का भी आइडिया नहीं है कि हाउ दे गोना रिएक्ट। लेकिन लेकिन ये है कि झटके जरूर हैं। आई मीन जब आपका बड़ा प्लेयर या नाम वाला प्लेयर जिससे अगली टीम भी डरती हो या थोड़ा कतराती हो, तो ऑफ कोर्स झटका जरूर लगता है। आसान नहीं होता ऐसे ऐसे सिचुएशन को लिफ्ट अप करने के लिए यहाँ से, लेकिन दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर। इंशाल्लाह कोशिश अपनी पूरी की जाएगी कि वट एवर वी हैव गॉट हेयर, एंड एज आई सेड पहले भी मैंने कहा ना कि ये सर्कमस्टेंसेस जो है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि COVID-19 की वजह से जो हालात हैं उसमें ऐसे टूर्स होंगे ना सिर्फ बल्कि हमारे बल्कि वर्ल्ड वाइड भी। आप देखेंगे कि दूसरी टीमें भी इस तरह सफर कर रही हैं, जैसे अभी साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को भी आपने देखा कि दे आर हैविंग इशूज। तो ऐसे इशूज जब तक ये इस सारे सिलसिले का हल नहीं निकलेगा तो ये होंगे ऐसे इशूज, एंड we all got to deal with it, and as I said, to get the best out of them, it's our job inshallah to do our best. issue वही आ जाता है ना कि हम लोग 14 दिन आइसोलेशन में रहे हैं और उसके बाद हमने तीन चार प्रैक्टिसेस यहाँ पे की हैं, तो अभी ऐसा
जो पिचों का आइडिया है वो अभी नहीं है। जहां तक ऑकलैंड की बात करें, वो थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, वो क्योंकि ड्रॉप इन पिचें होती हैं, तो उसका भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज के किस किस्म की पिच ड्रॉप इन में वो खेलेगी। कई दफा बहुत सीमिंग भी हो जाती है, कई दफा बहुत ड्राई भी होती है, तो आसान क्योंकि ग्राउंड डायमेंशन भी देखी जाए तो वहां पे इतना आसान नहीं होता है। तो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। बाकी दूसरे ग्राउंड्स पे ऑफ कोर्स यहाँ के, जैसे मैंने कहा, ग्राउंड्स थोड़े छोटे हैं, तो उसी उसी तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। प्रिपेयर कुछ किया भी है, कुछ मजीद अभी कुछ दिन है, इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे। तो और ऑफ कोर्स स्पिनर्स का जो रोल है वो हर क्रिकेट में है, चाहे वो T20 हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, या तीसरा फॉर्मेट वनडे हो, तो उसमें उनका रोल तो हमेशा ही हमेशा रहा है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है उसमें, बॉलर्स में इमाद वसीम है, यंग उस्मान कादिर भी हैं, तो स्पिनर्स हमारे पास हैं। टेस्ट मैच की तो भी फिर बाद में बात करेंगे। तो लेकिन आई थिंक बॉलिंग साइड को अगर देखा जाए तो उतना सफर नहीं हमने किया है जितना कि हम बैटिंग साइड में कर रहे हैं। इस तरह इंजरी का जहां तक है वो तो मैं कहूंगा कि काफी हद तक रिकवर, मतलब कि रिकवर हुआ ही, शादाब रिकवर हुआ ही था, तो इसीलिए टूर पे आया था। दैट्स व्हाई द सिलेक्टर्स सिलेक्टेड हिम। फिर आके क्वारंटीन में उतना आई गेस उतना टाइम नहीं मिला कि जो ट्रेनिंग वगैरह को उसको बिल्डअप कर सकता था। दीज एज आई सेड इंजरीज आर पार्ट ऑफ द गेम, एंड उम्मीद है कि वो इंजरी को इतनी बड़ी नहीं होगी, और इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएंगे पहले T20 तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कर जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर देन ऑफ कोर्स मिसबाह एंड कंपनी, बिकॉज इट्स एंड एंड ऑफ कोर्स द चेयरमैन की और मिसबाह की और अदर पीपल, उनकी डोमेन है कि दे विल पिक फॉर द नेक्स्ट। अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ऐसा होता है तो देन इट्स अप टू देम हु दे पिक एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई वर्कलोड की वजह से वो बाहर हुए हैं, या वो जो आपने कहा कि शायद क्रिकेट छोड़ गए हैं, मेरा नहीं ख्याल। अभी मैंने उनको देख रहा था कि वो किसी लीग में खेल रहे थे। तो उनका जहां तक है कि वो तो दे ही प्लेज व्हाइट बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल में इज प्लेइंग इन वन ऑफ द लीग, सो उसमें उनका कोई इश्यू नहीं है कि वो इसलिए हुए कि वर्कलोड की वजह से वो क्रिकेट छोड़ा उन्होंने। हाँ, वो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते थे, एंटायरली उनका अपना फैसला था। ऑफ कोर्स हमारे पास बॉलर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू मैनेज, यंग फास्ट बॉलर हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन किस फॉर्मेट में खेलेगा, कब खेलेगा, और उनको उनका लोड भी देख रहे हैं। आइडिया है कि कितना उसको कितना खेलना चाहिए, इसीलिए आपने देखा कि शाहीन को हमने नहीं खिलाया था बीच में। अब तो खैर काफी सारा रेस्ट भी करके आए हैं ये पिछले 15 दिन क्वारंटीन में भी, तो अब तो रेस्ट की बात नहीं है, अब तो ऐसा है कि आर वी गोइंग टू बी रेडी फॉर दी अपकमिंग सीरीज, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह वी विल गेट देयर। मैंने तो हरगिज ये नहीं कहा कि कंडीशंस बहुत मुश्किल होती हैं। आप 90s में देखेंगे, अर्ली 2000 में देखेंगे, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। दे हैव डेवलप्ड इनटू अ वेरी वेरी फाइन साइड, दे आर अ वेरी गुड साइड। होम ग्राउंड में तो बहुत अच्छी अपनी उनकी उनकी साइड है। यहाँ पे इस वक्त पिचों का तो ऐसा इशू नहीं है, इशू ये है कि कोविड का जो प्रॉब्लम्स हैं वो इज अ मेजर इशू, उसकी वजह से खैर अभी तो टूर शुरू भी नहीं हुआ, सो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग एनी कमेंट ऑन इट, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस टूर। डज नॉट मैटर के किस किस्म की इंजरीज हैं, वी गोना स्टिल गो आउट देयर एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड फाइट आउट एंड ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल। थैंक यू सो मच।